हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड को किस तरीके से हम डाउनलोड करें अपने फ़ोन से ही, जो कि मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक तो आप राशन कार्ड नंबर से भी राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने जो भी फैमिली मेम्बर में से किसी का भी आधार नंबर डालेंगे तब भी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। एक्चुअली में हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि हमें राशन लेना है और हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, तब हम उस स्लिप को वहां पर डाउनलोड कर लेंगे और उससे हम कहीं से भी राशन ले सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है या राशन कार्ड की जो कॉपी है आपके पास है, तो आप भारत में किसी भी कोने से राशन को ले सकते हैं, चाहे आप किसी राज्य में क्यों ना रहते हों। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से डाउनलोड करना है। इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के अंदर क्रोम को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NFSA। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है राशन कार्ड डाउनलोड। ठीक है, तो चलिए मैं इसी पर ही सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और ये जैसे ही हमारे मोबाइल में ये ओपन हो जाएगी तो यहीं से ही हम कर पाएंगे बहुत ही आराम से डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर सारे राज्यों के नाम भी देखने को मिलते होंगे, पर हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा एक्सेप्ट AI। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ से ये हट जाएगा, 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, फिर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, फिर हमें यहाँ पर 5वें नंबर्स पर ये ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं चलिए आपको बता देता हूँ ये है। ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर नीचे आ जाएगा 4थे नंबर पर कैन योर राशन कार्ड स्टेटस, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि राशन कार्ड नंबर, और तो ये आपको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पर मिल जाता है सर्च, ठीक है, राशन कार्ड नंबर, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे फिल करना है और आपको यहाँ पर गेट RC डिटेल, ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरा तरीका है, मैं आपको प्ले स्टोर में ले जाता हूँ। पहले प्ले स्टोर से आपको सर्च बार पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है माई राशन या मेरा राशन। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी दो एप्लीकेशन है, एक माई राशन नाम से है। ठीक है, तो चलिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। परमिशंस को हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमें आधार कार्ड से चेक करना है, तो हम आधार वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास राशन कार्ड नंबर है, तो हम यहाँ पर डालकर और हम बहुत ही आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पर हमारे पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो हम अपने आधार नंबर से ही चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं बैक कर देता हूँ, और बैक करने के बाद में हम आधार वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे, आधार यहाँ पर नंबर को एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर को एंटर किया, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट पर सिंपली क्लिक किया तो हमारे सामने डिटेल आ चुकी है। मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल अपनी ब्लर कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप यहां से नंबर निकाल सकते हैं अपना राशन कार्ड का, और फिर उसके बाद में आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो मैंने यहां पर नंबर निकाल लिया है और आपको उसी वेबसाइट पर जाना है जैसे कि राशन कार्ड वाली, तो मैं चलिए इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे, फिर 3 लाइन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में चलिए हम इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, स्टेटस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिंपली स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना राशन नंबर डालना है, राशन कार्ड नंबर, उसके बाद में कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद में गेट RC डिटेल, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने
राशन कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हुई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ना इस वीडियो में।